नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पे जिसका नाम है सुपर टेक फॉर यू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप अपने यूट्यूब के वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं अच्छा और बेहतर। तो दोस्तों, अगर आपको भी सीखना है कि थंबनेल कैसे बनाते हैं तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कीजिए जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फोंटो। दोस्तों, ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप अपने ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास आईफोन है तो आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, मेरे पास आईफोन है तो मैं अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके लिए इसका नाम सर्च करना पड़ेगा फोंटो। तो यहाँ पर लिख लेंगे PHONTO फोंटो, यहाँ पर सर्च कर लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ गया फोंटो एप्लीकेशन, देख सकते हैं दोस्तों आप सेकंड नंबर पे आया। मैंने पहले इसे डाउनलोड कर रखा है तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लूँगा। यहाँ ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को। दोस्तों, ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। नीचे की तरफ आपको एक कैमरे का ऑप्शन और साइड में एक थ्री डॉट्स का दिख रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड लेते हैं जिसके ऊपर हम अपने थंबनेल को बनाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एक बार। दोस्तों, कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कैमरा, फोटो एल्बम, प्लेन इमेज, प्रोजेक्ट और रिस्टोर प्रीव्यू स्टेट्स। दोस्तों, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको दोस्तों थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है पहले प्लेन इमेज पे। तो इसे एक बार क्लिक करते हैं इस पे। प्लेन इमेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे हम पहले। यहाँ पे काफ़ी सारे आप कोई सा भी ले सकते हैं, वाइट, ब्लैक, आपकी मर्जी है, जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक वाले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको इमेज का साइज़ पूछ रहा है। तो दोस्तों, इमेज का साइज़ हमें या कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज का साइज़ हमें देना है 1280। दोस्तों, ये हमारा 80, ये हमारा YouTube का जो भी थंबनेल लगाने का जो साइज़ होता है वो जो उसका चौड़ाई होती है जो 1280 होती है और हाइट हमारी 720 होती है। इस तरीके से करने के बाद डन करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं और भी कलर लगा सकते हैं इसमें बैकग्राउंड में, आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे को ब्लैक में करना है तो मैं यहाँ पे ब्लैक में करके ऊपर की तरफ आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इमेज का जो बैकग्राउंड का जो भी साइज़ है उसे भी सिलेक्ट कर लिया और कलर भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और यूज़ पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये बैकग्राउंड हमारा आ चुका है। दोस्तों, आपको साइड में कुछ थ्री डॉट्स टाइप दिख रहे होंगे, उस पर एक बार क्लिक करना है आपको अपनी जो भी इमेज लेने के लिए, जो भी आपको इमेज लगानी है इसमें। दोस्तों, यहाँ पे थ्री डॉट पे एक बार क्लिक कर लेंगे हम। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहले है ऐड आइटम का ऑप्शन है, इसके बाद ऐड इमेज का है, चेंज थीम का, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों, हमें क्या करना है कि ऐड इमेज पर एक बार क्लिक कर देना है। ऐड इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फोटोज़ को सिलेक्ट करना है, आपकी जो भी फोटोज़ है वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो जैसे मैंने अपने थंबनेल में लगाया था वैसे ही मैं फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एक। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप डन कर लेंगे। डन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज आ चुकी है हमारी। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि साइज़ का है, टिल्ट का है, आप इसको मूव कर सकते हैं इधर उधर, या अल्फा है, या रिमूव भी कर सकते हैं इस इमेज को अगर पसंद नहीं है तो। दोस्तों, इस पर ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लेंगे हम पहले। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं इसको, हम अपने हिसाब से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं इसका। दोस्तों, यहाँ पे ऐसे, तो दोस्तों ये यहाँ पे फिट हो चुका है। दोस्तों, अब हमें टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर, तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में लिखा था हाउ, यहाँ पे डन करके, सॉरी फ्रेंड्स, मूव हो चुका है यहाँ से, हाउ को यहाँ पे करके, इसके बाद आप सेकंड नंबर पे लिखेंगे हाउ टू। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे और ऑप्शन देखने को मिल जाए, जैसे कि फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप इसका, टेक्स्ट में कोई दिक्कत होगी तो टेक्स्ट बदल भी सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद, या फिर दोस्तों फॉन्ट में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। दोस्तों, इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें काफ़ी सारे आपको अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, आप कोई सा भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप,
बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाते हैं देखने के लिए। दोस्तों हम इसे नॉर्मल रख लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक बार दोस्तों, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसे ये कलर दे देता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक के ऑप्शन में जाके आप इसके जो भी बॉर्डर का कलर है उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे कलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे मेरे को ब्लैक लेना है, यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे डन कर दूंगा मैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बॉर्डर के साथ आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका भी कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करके काफ़ी सारे आपको मैं इसमें रेड कलर फिल कर लेता हूँ। इसके बाद इससे फुल कर देता हूँ इसे, और दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक दे देता हूँ उसको मैं। दोस्तों ब्लैक कलर के स्ट्रोक देने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। दोस्तों इसको हम बॉर्डर पे देते हैं, स्टाइल पे जाके यहाँ बैकग्राउंड देते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसे वाइट कलर देंगे और यहाँ पे डन कर देंगे। इसे थोड़ा ऊपर की तरफ करके साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसका हम। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, साइज इसका भी थोड़ा हल्का सा बड़ा कर लेंगे हम, और इसे भी बैकग्राउंड देते हैं। स्टाइल पे जाके बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसके बाद यहाँ वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, और दोस्तों इसे स्ट्रोक में जाके थोड़ा बैकग्राउंड को ब्लैक करके वाइट करेंगे बैकग्राउंड, और डन कर देंगे यहाँ पे, और इसका थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। यहाँ से जाके साइज पे क्लिक करके हम हाउ टू मेक यहाँ पे डन कर देंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको स्टाइल चेंज कर लेना है इसका। स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हैं कोई सा भी, जैसे मुझे येलो कलर लगाना है इसमें, तो यहाँ पे येलो कलर पे क्लिक करके और आप लगा सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक लगाएंगे ब्लैक कलर का हम। दोस्तों ब्लैक कलर का लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में, कलरफुल भी लगता है। यहाँ पे लगा लेंगे इस तरीके से, थोड़ा स्ट्रोक और दे देते हैं, स्ट्रोक पे जाके थोड़ा बड़ा कर लेंगे, स्ट्रोक दे देंगे इसके अंदर, यहाँ पे डन कर देंगे। दोस्तों इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं हम, और लिखते हैं हम ऑसम। ऑसम लिख के यहाँ पे डन कर लेंगे, और इसे दोस्तों हम नीचे की तरफ लाएंगे इस तरीके से। दोस्तों लास्ट में लिखेंगे हम थंबनेल, लिख लेते हैं थंबनेल। दोस्तों इसका तो साइज है थोड़ा हल्का छोटा कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज है इसका, इसे थोड़ा छोटा कर देंगे। इसके बाद थंबनेल के भी साइज को हल्का सा छोटा कर देंगे। करने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप कलर फिल कर लेते, थंबनेल के अंदर करते हैं कलर फिल। इसके हम ग्रीन कलर दे देते हैं, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर भी मिल जाएगा आगे चल के। सॉरी फ्रेंड्स, ये स्ट्रोक में हो गया, यहाँ पे जाके ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्ट्रोक में जाके इसको ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देते हैं, ब्लैक कलर पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं हम, इसे ऑरेंज कलर ये वाला कलर देते हैं, और इसको भी स्ट्रोक दे देते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, अगर स्ट्रोक देंगे यहाँ पे ब्लैक कलर की, हल्का सा बड़ा कर देंगे इसे, और डन कर देते हैं। दोस्तों हल्का बड़ा कर लेंगे स्ट्रोक को, यहाँ पे डन कर देंगे। दोस्तों मेक को भी दे देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं वाइट कलर का हम, और डन कर देते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नीचे हुई ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, सेव कर लेंगे इसे, फाइल में सेव कर लेंगे। मैं इसे सेव इमेज एज PNG कर लेता हूँ, सेव हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से थंबनेल बना सकते हैं हम। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।